में लगातार अग्निपथ को लेकर चर्चाएं चल रही है और स्टूडेंट्स का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। कल बिहार में भी आपने देखा होगा कई डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से स्टूडेंट ने अपना विरोध दर्ज कराया, साथ ही जिस तरीके से स्टूडेंट्स का आक्रोश है, उसके बाद आज जाट पार्टी के द्वारा पटना के डाक बंगला चौरस्ता पे आप देख सकते हैं ये नजारा है, जहाँ पे पूरी तरीके से रोड जाम कर दिया गया है। यहाँ इनके जो सुप्रीमो है पप्पू यादव का ये भी कहना था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं सरासर गलत है और इसके लिए वो लगातार प्रदर्शन करेंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं लोगों से, क्या क्या मांगों के साथ उतरे हैं, क्या मांगों के साथ क्या उतरे हैं? मांग ये है कि ये जो अग्निपथ योजना, जो लॉलीपॉप युवाओं के चेहरे पे डाला जा रहा है, उसके मुंह में डाला जा रहा है, इसको बंद करके जैसे परमानेंट बहाली होती थी सेना में, वही करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा सेना में। जो अपनी जान देने के लिए तैयार है देश के लिए, देश की सुरक्षा में, उसको आप 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती ले रहे हैं, क्या यही होगा? पहले देश की सारी सरकारी कंपनियों को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, आज सेना एक बच रही थी उसको भी बेच दिया। लगातार हमेशा ही प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है देश में, कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी उसी तरीके से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी। आप देखिए हम लोगों को इस गर्मी में क्या जरूरत है बैठने की, मेरा अभी पीछे पिछवाड़ा पूरा जल रहा है फिर भी आज बैठे हुए हैं, क्योंकि गर्मी गर्मी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, गर्मी वो इम्पोर्टेंट है जो बेचारे युवा झेलेंगे जिंदगी भर अगर बेरोजगार रहेंगे तो। आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन लगातार यहाँ पे जारी है, तो हम इनसे भी बात करेंगे किन किन मांगों के साथ। हमारा एक ही मांग है, अग्निपथ जो योजना लाया गया जो छात्रों युवाओं को ठगने का है, इसको अविलंब बंद किया जाए, वापस लिया जाए। जिस तरह कृषि बिल किसानों के हित में नहीं था, उसी तरह ये अग्निपथ युवाओं के हित में नहीं है। इसका जो युवा है 28 वर्ष तक के युवा तैयारी करते थे सेना में बहाली के लिए, उनका एज घटा के 23 वर्ष कर दिया गया। कल तो घोषणा हुई थी 21 मगर आज 23 कर दिया गया है, और उसकी स्थायी नियुक्ति नहीं है। पिछले 2 साल से नियुक्ति बंद है सेना में, लगातार हर साल रिटायर होते थे, हर साल लाखों लोगों का ज्वाइनिंग होता था, मगर अस्थायी रूप से ये युवाओं को गुमराह करने के लिए 4 साल के लिए उनको जॉब दे रहे हैं। 4 साल के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारी मांग है कि अविलंब अग्निपथ जो का योजना है ये इसको समाप्त किया जाए और पूर्णतः जैसे पहले बहाली होती थी उसी तरह बहाली। नहीं हुआ समाप्त तो क्या करें? हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है, कल पुतला दहन किए थे, आज पूरे बिहार के तमाम जिलों में पुतला दहन है। बस हमें एक छात्रों से आग्रह है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात रखे और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से लड़े। ये पटना के डाक बंगला चौरस्ता का ये तस्वीर है, जहाँ पे चारों ओर आप देख सकते हैं जाप पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ में पुलिस भी एक्टिव हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहा है वो उसको लेके हमेशा ही बातचीत होती है कि स्टूडेंट का उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये जो तस्वीर है यहाँ की आप देखिए, और पूरी तरफ से ये जो मेन रोड है पटना का उसको जाम कर दिया गया है। हम स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज पटना।